जो भी करते हैं सॉल्व करने के लिए करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये दोनों बहनें दो ही काम करती हैं, एक तो प्रॉब्लम खड़ा करना, दूसरा उनको सॉल्व करना। एक्सक्यूज मी, अभी आप मेरी दीदी हो। भारद्वाज परिवार का उस वो तब मनुज गड़ी शुरू हुई थी जब सिमर रोनी शादी करके आई थी, दो जासूस बहनें जो घुसी, सत्यानाश कर दिया, पूरा परिवार आज तक जूझ रहा है, पहले धरती के प्रॉब्लम से, अभी परलोक के प्रॉब्लम से। बोलो बोलो बोलो, अब बोलो। मैं भूली गई मैं क्या बोलूं। तो क्या हुआ ये, क्या क्या करते हैं हम? हमेशा फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और फिर मैं दीदी को एक डायलॉग बोलती हूँ कि हम चलकर सीधा सब कुछ पुलिस को बता देते हैं, और दीदी कहती है नहीं, हम पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद पुलिस को बताएंगे। और बस वो सॉल्व करते करते ही 4 साल निकल गए और आगे पता नहीं और कितने साल निकलेंगे। अभी लेटेस्ट जो टर्न है वो ये है, मतलब राजकुमारी है जो लेटेस्ट टर्न हाँ, एक लेडीज जो टर्न है वो है राजकुमारी है, ये जो हमारी राजकुमारी जो इंटरव्यू। हाँ, राजकुमारी का इन इस पेंटिंग से कोई बहुत गहरा संबंध है, और ये जो पेंटिंग है अभी उनका क्या संबंध है पता नहीं, लेकिन वो कहती है कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं इस हवेली की कोख में। तो हम लोग वो दैट्स व्हाट शी सेड, कोख नहीं तो थम्स अप नहीं, सिर्फ कोख में फंसे हुए हैं। तो वही हम रिवील करने की कोशिश करेंगे, वो कोक में से प्रॉब्लम निकालने हमको मजा आ रहा है। सो बेसिकली हाँ, रोली और सिद्धांत यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें भारद्वाज परिवार की मणि लाने के लिए। नया जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो है हमारी राजकुमारी, जिनको इस पेंटिंग से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है पता नहीं, और उनके पास एक बहुत ही महान वस्तु है जो मणि से भी ज्यादा पावरफुल है। तो नागमणि से भी ज्यादा पावरफुल, नागमणि माया की नागमणि से भी ज्यादा पावरफुल है, तो हम उस सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मेरी दीदी ये है और वहाँ पे सिमर दीदी की जो रोली है वो सारा दीदी बन चुकी है, तो अभी हम अलग अलग जासूसी कर रहे हैं। हाँ, एक्सचेंज, हाँ वही हम लोग एक्सचेंज ऑफर चालू था, मतलब माया ने कहा चल ठीक है तू नहीं है मैं सिमर को ले लेती हूँ। और मैंने कहा चल मैं अपनी रोली को लेके भाग जाता हूँ। सो बेसिकली रोली सिद्धांत इधर आ गए, माया और सिमर वहाँ पे। फाइनल वर्ड हमने तो रोसेट को बहुत मिस किया था, हम वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा आए कि रोसेट के सीन्स ऐसे एक के बाद एक आए, एंड अभी हो रहा है ऐसा काफ़ी सारे सीन्स, वो रूम में कबर्ड के अंदर डालने वाला और कार वाला सीन, रिंग निकाल के उनके हाथ में देने वाला, सो देयर वर मेनी रोसेट सीन्स। देयर इज वन मोर सीन कमिंग अप जो हम लोग छुप छुप के फोन करते हैं फिर पकड़े जाते हैं, दोनों ढक्कन है, जहाँ देखो झगड़ा करते हैं, मार खाते हैं पब्लिक से। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, एंड वी आर थरली एंजॉयिंग इट, होप यू आर लाइकिंग इट टू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, लव यू ऑल, थैंक यू।